अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने जो लुक क्रिएट की आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मैंने आज ग्रीन ड्रेस के ऊपर रेड चुदरी पहना के ग्रीन स्मोकी मेकअप किया है, जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है। और मैं आप लोगों के को बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं स्टिक लगा रही हूँ ये कस्टाइन की है। तो आप लोग अक्सर पूछ रहते हैं कि जेएस फाउंडेशन लगाने से पहले कौन क्या लगाया। ऑरेंज स्टिक आप लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि फिर बेस ग्रे नहीं होती, कंसील तो करना लाजमी होता है। तो हमारी जेएस फाउंडेशन जो है ये 45 नंबर में अप्लाई करूँगी, तो बड़ी इजी यूज़ होती है और जल्दी ही ब्राइडल की बेस बन जाती है। तो पहले तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती थी के एक्वा बेस ऊपर लगाती हूँ तो फिर बेस बनाती थी, तो आज मैंने मिनरल बेस का टच दिया है और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक्वा बेस के साथ सही रहती है या मिनरल बेस के साथ। मैंने आज ये मिनरल बेस बनाई है, तो पानी के साथ ही बनाई है मैंने कोई भी इसके अंदर गुलाब का अर्क वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और इसका छोटी सी ड्राई फॉर्म में मैंने जैसे फाउंडेशन होती है वैसे बना के ब्रश से मैंने अप्लाई की है, तो बड़ी ही अच्छी फाउंडेशन बनी है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ, और कवरेज भी बड़ी अच्छी होगी थी इससे ना। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप मिनरल बेस भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा। एक तो होता है ना, हमने ज़्यादा थिक बना के ऊपर पेस्ट बनाना होता है, मैंने ज़्यादा थिक नहीं बनाया, मैंने पतला सा लेयर बनाई थी, तो बड़ी अच्छी होगी। और HD फिक्सर पाउडर जो है वो लगाएंगे, बेस को लॉक करेंगे, फिक्स करेंगे, वाटरप्रूफ बेस हो जाएगी। मैंने आज ये पहला मेरा था तजर्बा कि मैं देखती हूँ कि कैसा लगेगा, तो आप भी देखिएगा और आपको भी समझ आएगी कि वाकई ही आज बेस ज़्यादा ईजी बन गई है। और ये मैं शिलर्स ब्यूटी का जो है केक लाइनर ब्राउन कलर का लगाने लगी हूँ आईब्रो के ऊपर। तो आप ब्राउन कलर का जो है ये भी आपको मिल जाएगा, आप ने अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो आप इनबॉक्स में आ सकते हैं। और एक मैं आप लोगों के साथ आपको बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रा आप लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि पता है मैं फिर वीडियो नहीं बनाती आप लोगों जब लाइक और कमेंट वगैरह नहीं करते। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, आगे भी किया करें, और मुझे बताया करें कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। सिलस ब्यूटी का ब्लैक लगाया है आई बॉल के ऊपर ऊपर, तो अब मैं जो है डार्क रेड जो होता है ना वो कलर लगा रही हूँ आई बॉल के साथ साथ, बिल्कुल के इसका जो कलर है ना वो मैं ब्लेंड करूँ। साथ मैंने थोड़ा सा ब्लैक का भी टच दिया था कि अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो जाए। और ये देखें, अब मैं जो शेड लगाया वो लाइट पिंक सा शेड था वो लगाया है। तो अब मैं जो लगाऊंगी सिलस ब्यूटी का इनर कॉर्नर पे 3D ग्रीन है, ये 3D शेड हाइलाइटर, 3D ग्रीन हाइलाइटर जो है ना वो लगाने लगी हूँ। तो ये भी आपको मिल जाएगा 650 का, और ये पिंक वाला जो है तो ये भी हाइलाइटर आपको मुझसे मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको पता पीच पिंक लगाती थी और वाइट लगाती थी, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो हमारे दूसरे शेड है मैंने बोला चलो वो भी मैं दिखाती हूँ। ग्रीन कलर काशिज का ही लगाऊंगी मैट में, आज मैंने जो मेकअप करना वो मैट में कर रही हूँ। तो जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ऑल बेल आइकन कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें। जल्दी से मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें और मुझे बताया भी करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग फिर वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए ना। जब हमें व्यूज़ नहीं आते, लाइक नहीं हमें पढ़ते और वो नहीं होता, व्यूज़ नहीं आते, तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। मैं फिर स्किप कर देती हूँ, वीडियो बनानी बंद कर देती हूँ। सिलस ब्यूटी का वाइट काजल लगाया है और सिलस ही ब्यूटी का ऑरेंज शेड आइस के नीचे लगाया है, बड़ा अच्छा लगता है। इससे ये भी होता है कि जिन लोगों के डार्क सर्कल होते हैं तो हम ऑरेंज लगाते हैं, तो एक तो वो ग्रे में बेस नहीं जाती और बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो ये लेंस आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, बड़े अच्छे हैं ये भी, आपको इनका भी नंबर मुझसे मिल जाएगा, आप कमेंट करके मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं और मैं
आपको बता दूंगी, दे दूंगी नंबर जिनसे मैंने ये ऑर्डर दिए, बड़े अच्छे लेंस है। और एक इनका यह भी खास बात है कि इचिंग वगैरह आईज में नहीं करते लगने के बाद ना। ये हमारी जो लैशेस आप लोग अक्सर पूछते हो कि आप जमीला कहाँ से लिए, ये मैंने बड़ी दूर से मंगवाए थे, तो अब तो इसकी वो जो होती है ना शिपिंग, शिपिंग ही 2,000 दे की कर दी है। वैसे तो इसकी 800 900 प्राइस है, मगर शिपिंग इसकी इनकी बहुत ज़्यादा, फिर हमें ये पड़ते हैं 3,000 के तकरीबन शिपिंग डाल के। तो इसलिए ये मेरे पास पुराने पड़े हुए थे, अभी तो मैंने न्यू कोई भी नहीं मंगवाए, क्योंकि शिपिंग देख के मैं डर गई। तो अब मैं जो कंटोरिंग ब्रश के बारे में भी आप लोग अक्सर पूछते रहते, आप जमीला ये डबल जो है वो कहाँ से लिया, मैंने लोकल मार्केट से लिया। जब मैं मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है नज़र आती तो मैं फ़ौरन ख़रीद लेती हूँ। तो आपको पता, बाज़ दफ़ा हम ढूंढने निकलते भी हैं तो हमें मिलती नहीं है। जब कहीं पे भी मुझे नेट पे नज़र आए या कहीं पे भी नज़र आए कुछ भी, तो मैं फ़ौरन ऑर्डर दे के मंगवा लेती हूँ। तो ब्लश ऑन जो लगा रही हूँ, ये मिस रोज़ का लगा रही हूँ। एक तो इसका पिंक कलर है, ऊपर से मैंने हल्का सा पीच कलर, पीच पिंक करके मैंने लगाया है। तो सिलस ब्यूटी का ये जो दिखा रही हूँ पी पिंक कलर हाइलाइटर, 3D पिंक जो है ना वो लगा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी शाइन आई है इससे ना। अभी आप लोग देखते जाएं और मेकअप भी देखें कि बड़ी प्यारी ग्रेस आई है आईज का, मेकअप बड़ा ही प्यारा लगा है, बहुत ही प्यारा। रेल में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये चेरास्टाइन की मैंने जो लिपस्टिक लगा रही हूँ डार्क ब्राउन कलर में, आउटलाइन के लिए मैंने ये बाय की है। वैसे तो मैं लिप ग्लॉस ही लगाती हूँ, तो एक मैंने ये ले ली। मैंने सोचा चलो इसी आउटलाइन वगैरह बंदा कर लेता है और लिपस्टिक लगानी ज़रा अच्छी हो जाती है। अब अंदर जो मैं लगा एमली का जो है वो लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, इसका मैंने पूरा पैक ही लिया है तकरीबन। यह भी आपको मिल जाता है लोकल मार्केट से। अगर आप लोगों ने यह भी ऑर्डर वगैरह करना होगा पूरा पैक, तो यह भी आपको मिल सकता है। मगर यह है कि एक दो पीस हम नहीं बजवाते, तकरीबन हम पूरा पैक ही बजवाते हैं। काशीज का लिप ग्लॉस लिप को शाइन करने के लिए बड़ी अच्छी लुक आती है, ये लगाती हूँ। इससे और भी जो लिप ग्लॉस है अच्छा लगता है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारा ये फाइनल लुक है तो आपको कैसी लगी हमारा मेकअप और ज्वेलरी वगैरह। तो लाफिज दुआओं में याद रखिए।